कपिल शर्मा शो के कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच में खतरनाक लुल्ली हो गई गति, और लोग इन लोगों के बारे में क्या क्या की फिरके बना दे रहे, दूसरा काम नहीं रहता। और अब बॉलीवुड के सितारे क्या फिरका बनाते देखेंगे। अरे अरे बॉलीवुड के भाईजान, सलमान भाई मेरे साथ है। और सलमान भाई, सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा के बीच में खतरनाक लुल्ली हो गई कहते, इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखिए, कपिल शर्मा को जो है सक्सेस का नशा अपने सर पर चढ़ गया। सक्सेस का जो नशा होता है वो शराब की तरह होता है, जितना आदमी को मिलता है उतना सर चढ़ते जाता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग कपिल शर्मा शो के पीछे इतना क्यों पड़े। बॉलीवुड में कई सारी फिल्में बन रही हैं, देखो फिल्में बनती हैं, लोग इंजॉय करते हैं, आप भी जाओ। और मेरी आने वाली फिल्म है ट्यूबलाइट, उसको देखो और इंजॉय करो। फुकट में प्रमोशन कर लिया भाईजान। अमरीश पुरी जी, आपका क्या कहना है? अरे किस बारे में? कपिल शर्मा के बारे में। अरे ये कपिल है ही क्या, ये बेहुदा और नेहायत ही बदतमीज इंसान है। अरे इसको कॉमेडी करनी आती नहीं है, ये सब तो स्क्रिप्ट का कमाल होता है। अरे कॉमेडी तो हमारे जमाने में होती थी, जिससे लड़कियां हंसती भी थी और फंसती भी थी। लगता है आपको इस फाइट के बारे में पहले से पता था, कैसे? अरे हम तो वो है जो खत का मजबूत भाप लेते हैं, लिफाफा देख कर। अरे सनी जी आइए, आप बताइए कि कपिल शर्मा या सुनील ग्रोवर किसके पास ज्यादा टैलेंटेड है? बाबूजी कहाँ है काजल? अरे गोलियां नहीं खाई क्या रात में? देखिए ऐसी बात नहीं है, आप मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते। मैं भी एक एक्टर हूँ, मैं भी टैलेंटेड हूँ, और सबसे ज्यादा टैलेंट मेरे पास है, क्योंकि मेरे पापा टैलेंटेड थे, मेरा भाई टैलेंटेड है, मेरी माँ टैलेंटेड है, हमारा पूरा खानदान टैलेंटेड है। इसलिए मेरे अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है। और मेरा जो हाथ है ना, वो 2.5 किलो का हाथ है, और जब किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। लेकिन आजकल बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, बहुत दर्द होता है मेरे हाथ में, और मैं बहुत परेशान भी हूँ, मुझे बहुत बीमारियाँ लग गई है। मैं दवाखाने जाना चाहता हूँ लेकिन मेरा इलाज कहीं नहीं हो रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ मैं, क्या करूँ भाई? मैं क्या करा, मैं थोड़ा सा साइक हो गया हूँ। मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए, वरना चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के। ओ जानी भाई, जानी भाई। बाबा कमाल कर दिया बाबा। देखो कपिल अपनी जगह बेस्ट है, सुनील अपनी जगह बेस्ट है बाबा, लेकिन एक बात मत बोलना तू कि सबसे बड़ा कॉमेडियन तो मैं हूँ। मैंने कॉमेडी को बहुत आगे के लेवल पे लेके गया हूँ बाबा, मुझे मत भूलो, लोग मुझे भूल रहे हैं बाबा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें तो लूट लिया मिलके इन कमीनों ने, गोरे गोरे सांडों ने, काली काली क्या, काली काली क्या। जैसे कि आपने देखा है बॉलीवुड के एक्टर्स कितने फिरके कर रहे हैं, आप देखें कौन करते अगला फिरका। ओ सिद्धू पाजी, हा 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 गुरु, नब दे बल्ला मार दे गिल्ली, सुभाष जलंधर शाम दिल्ली, चूहे को मार के खा गई बिल्ली, हा 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 हा। जैसे रोशनी का कोई आकार नहीं होता, वैसे ही चप्पलों का भी कोई हार नहीं होता, किरणों को छुपाने से सूरज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही सुनील ग्रोवर के नहीं होने से कपिल शर्मा शो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हा हा ठोको ताली ठोको, हा 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 हा, हंसने का टाइम हो गया है गुरु, मैं चलता हूं, हा 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 हा। ओ तेरी अमित जी, ओ क्या हाल है भाई? अरे हम तो कुशल मंगल है, बढ़िया है भाई साहब। भाई है कि नहीं? ये कमर को हाथ क्यों लगाए? कमर को हाथ जो है इसलिए लगाए हैं कि कल हमको सोने में जरा सी अड़चन हो गई थी, इसलिए हमारी कमर दर्द कर रही है, इसलिए हमने हाथ लगाया है। ये हाथ को क्या हो गया? ये हाथ को जो है मैंने किसी से पूछा कि क्या हुआ, तो जब से हाथ भी अकड़ गया इसलिए हाथ भी ऐसा ही है। ये मुंह में ये लकड़ी की है? अरे ये लकड़ी जो है भाई साहब, हम जब पान खाते हैं ना भाई, तो पान जो है वो दांत में जाके अटक जाता है, तो उसको जो है ऐसे साफ करके काड़ी को फेंक देते हैं। अच्छा वो सब छोड़ो, परसों एक फिल्म देखा आपका, उसमें पीछे पीछे ठहरे हुए आप। हम भी वो है जो कभी किसी के पीछे खड़े नहीं होते, और जहाँ खड़े हो जाते ना
लाइन वहीं से शुरू होती है। और सुमित देखा एटीएम गन ठहरे थे पीछे। अच्छा वो सब छोड़िए, सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा के बीच में जो लड़ाई हो गई चिंदियां, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए इस विषय पर मैं जो है इस नम्रता के साथ विचित्र धारा के विमंत्रता की विधम आज जो मैं आज अरे ये क्या बोल रहे हैं आप, हिंदी में बोलिए, समझ में आए जैसा बोलिए लोगों को। देखिए बाबूजी अक्सर कहा करते थे कि बाबूजी, बाबूजी का नहीं तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ साहब। पेड़ से जब कोई टहनी टूटती है तो पेड़ और टहनी दोनों को दर्द होता है, छेनी जब हथौड़ी पर पड़ती है तो हथौड़ी और छेनी दोनों को दर्द होता है, और जब जूता किसी के पीठ पर पड़ता है तो उस बेचारे की पीठ पर बहुत दर्द होता है। तो कपिल ने जो है बहुत ही गलत किया, उसके पीठ पर जूता मारकर, लेकिन बाद में माफी भी मांगी है। तो कपिल को चाहिए अपना दिल बड़ा रखे और उसको माफ कर दे और अपने शो में लाए, क्योंकि आप लोग जो है सबको हंसाते हैं और सबके लबों पे हंसी बिखेरते हैं। आप लोग बहुत खुश हैं आपसे, उसे बर्दाश्त, वापस आ जाओ सुनील, सुनील वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अरे रो ले रहे हैं ना, तो चलो चलो। तो ये थे हमारे बॉलीवुड के सारे सितारों के फिरके, और ये था आज का शो अपना सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा के बीच में हुए शो लुल्लियों के बारे में। तो चलिए लाइक करिए, शेयर करिए और आ जाइए सब्सक्राइब करना ना को भूलो बाबा, किराक हैदराबाद इसको सब्सक्राइब करो, वीडियोस को शेयर करो, अच्छा लगा तो आगे बढ़ाओ बाबा, बाय बाय।